अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि हमारे कबूतर का पेयर निकल गया, जो हम माशाल्लाह से, माशाल्लाह तो आप नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा पेयर ही निकल गया, जो हम ब्राउन और वाइट मेल लाए थे और वाइट कबूतरी थी। और दोस्तों अभी अभी बारिश रुक की है कुछ देर पहले, और अभी अभी जैसे ही हमने वीडियो बनाना शुरू की है तो अभी अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ये देखें दोस्तों, हमारी असील मुर्गी खुली हुई है और माशाल्लाह से इसके 6 अंडे इकट्ठे हो चुके हैं, और बाकी हम 5-6 अंडे कहीं और से भी इकट्ठे करके ले आए हैं। और आपको हम चलें चूज़े दिखाते हैं, 2 हम चूज़े भी ले आए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे और हेल्दी चूज़े हैं, ये देखें दोस्तों कितने प्यारे चूज़े हैं, माशाल्लाह लाजमी बोलना है। और इनको अभी 2 दिन ही हुए हैं क्योंकि हम वीडियो भी नहीं बना पाए, और माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी है। तो अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है, मुर्गी बीमार ना हो जाए तो इसे पहले बंद कर देते हैं। और हमारा माशाल्लाह से वो देखें जंगली कबूतरों का भी बच्चा भी दाने खाने पे आ चुका है, और आजकल उड़ भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो आप हम थोड़ा सा उड़ा के भी दिखाते हैं। और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है, ये देखें दोस्तों इसकी फ्लाई भी अब अच्छी हो गई है पहले से। तो अभी हम फ़िलहाल असील मुर्गी बंद कर देते हैं और बीमार ना हो जाए। दोस्तों ये देखें मुर्गी को मैंने पकड़ लिया है और ये हाथ से भागने की कोशिश कर रही है। तो आज हमने अपने मुर्गे के साथ दूसरी असील मुर्गी बंद की हुई है, और माशाल्लाह से इसने भी एक अंडा ले कर दिया है। इसका भी हमने एक अंडा इकट्ठा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम इंशाल्लाह इसका अंडा भी रखेंगे। फिलहाल अभी मुर्गी भीगी जा रही है तो हम इसे बंद कर देते हैं। दोस्तों बारिश अब थोड़ी सी ऐसा हो गई है, और देखें धूप निकलना भी स्टार्ट हो गई है। और ये देखें दोस्तों धूप की वजह से, ये देखें माशाल्लाह से आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखें रेनबो निकला हुआ है। हो सकता है वीडियो में सही तरह अच्छा ना आए नज़र, तो फिलहाल अभी रेनबो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और दोस्तों हमारे कबूतर यहाँ पर बारिश में फुल इंजॉय कर रहे हैं, और ये देखें कबूतर यहाँ पे बैठ के भी इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और बाकी के कबूतर डर के हमारे अंदर घुस गए हैं, और हमारे चूजे भी यहाँ पे ठहरे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं बारिश को अंदर छुप के। और ये देखें दोस्तों पेयर यहाँ पे बैठ गया है डर के मारे, क्योंकि इसकी जगह असल यहाँ पे है। इन्होंने समझ, पहले मैंने दरवाज़ा बंद करके रखा था तो इन्होंने समझा अभी दरवाज़ा बंद होगा, तो वो बेचारे अभी यहाँ पर बैठ गए हैं। और दोस्तों ये देखें ये कबूतरी भी फुल नहा के बैठी है, और अभी मैं आपको इसकी पकड़ के चूँच दिखाता हूँ कैसी है। दोस्तों ये देखें इसका चूँच का काफ़ी मसला है, ये देखें इसकी चूँच हम किसी दिन काटेंगे क्योंकि ये काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि गर्मियों में इसे मच्छर ने काटा था जब ये छोटा पट्ठा बच्चा निकला था, तो तब से इसकी चूँच ऐसे ख़राब है। तो अभी हम कुछ दिन तक मतलब इसकी चूँच भी काटेंगे। और ये देखें फुल गीली होके बैठी है, और लगता है इसने काफ़ी इंजॉय किया बारिश को। अभी हम फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। और ये देखें दोस्तों हमारी ये वाली फीमेल भी तैयार हो गई है ब्रीड के लिए, लेकिन अभी मच्छरों का सीज़न शुरू हो गया है, हम बच्चे अब नहीं निकलवाएंगे क्योंकि हमारी असील मुर्गी ने भी सारे अंडे खा लिए कबूतरों के, और एक बच्चा बचा हुआ है, और आपको हम वो दिखा देते हैं। ये हम इंशाल्लाह आज टेम करने के लिए उठा रहे हैं, फिलहाल पहले आपको हम दिखा देते हैं। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से ये बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन आज हम इसे टेम करने के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि इसे काफ़ी सारे कबूतर मार भी रहे हैं और मच्छर भी काट रहे हैं, तो हो सकता है ये मुश्किल है इसका बचना, क्योंकि अभी तो ठीक है 1-2 दिन हुए हैं, क्योंकि इसे काफ़ी सारे कबूतर मार रहे हैं। तो आज हम इसे टेम करने के लिए भी उठा लेंगे शाम को, तब इसके माँ बाप दाना वगैरह खिला लेंगे तब। तो इसकी हमने जगह भी आपको दिखा दी है, बना लिया हमने वो भी। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, वो हम आपको कुछ दिन के बाद बताएंगे, अगली वीडियो में ही कोशिश करेंगे कि आपको अगली वीडियो में ही दिखा दें। और यहाँ पे देखें घर बन रहे हैं, काफ़ी शोर है क्योंकि उन्होंने ये जनरेटर वगैरह लगाया हुआ है मोटर के लिए, तो काफ़ी शोर हो रहा है। और गुड न्यूज़ आपको हम
बाद में बताएंगे। आज मुझे काफ़ी दुख हुआ है कि हमारा कबूतर का ब्रीडर पेयर निकल गया है, क्योंकि मुर्गी ने उनके अंडे खा लिए थे और वो डर के मारे निकल गए हैं, और था भी न्यू पेयर और हमने काफ़ी दिन भी नहीं बांधा। तो दोस्तों ये देखें हमारा माशाल्लाह से गुलाब ने भी फूल उठाना शुरू कर दिए हैं, और ये देखें माशाल्लाह से अभी ये खुल रहे हैं थोड़े थोड़े, और ये थोड़ा सा ज़्यादा खुल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।